प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अर्जेंटीना पहुंच चुके हैं। राजधानी ब्यूनस आयरस में होने वाले 13वें G20 शिखर सम्मेलन में इस समूह के देशों के नेताओं की बैठक होगी तथा अब तक हुए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन आखिर है क्या? सितंबर 1999 में G7 देशों के वित्त मंत्रियों ने G20 का गठन एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के तौर पर किया था। ये मंच अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के साथ ब्रिटेन वुड्स संस्थागत प्रणाली की रूपरेखा के भीतर आने वाले व्यवस्थित महत्वपूर्ण देशों के बीच अनौपचारिक बातचीत एवं सहयोग को बढ़ावा देता है। ये समूह G20 अपने सदस्यों के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और कुछ मुद्दों पर निर्णय करने के लिए प्रमुख मंच है। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 के नेता वर्ष में एक बार साथ मिलते हैं और बात करते हैं। G20 की शुरुआत 1999 में एशिया में आए वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बैठक के तौर पर हुई थी। वर्ष 2008 में G20 के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और समूह ने वैश्विक वित्तीय संकट का जवाब देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी निर्णायक और समन्वित कार्रवाई ने उपभोक्ता और व्यापार में भरोसा रखने वालों को शक्ति दी और आर्थिक सुधार के पहले चरण का समर्थन किया। वर्ष 2008 के बाद से G20 के नेता 8 बार बैठक कर चुके हैं। G20 वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन के साथ मिलकर काम करता है। कई अन्य संगठनों को भी G20 की प्रमुख बैठकों में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। G20 के सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का करीब 85%, वैश्विक व्यापार के 75% और विश्व की आबादी के 2/3 से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी देशों के सदस्य देशों के नाम कुछ इस प्रकार है: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ। वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारी वरिष्ठ अधिकारियों के जिम्मे होती है, जिन्हें शेरपा कहा जाता है और जो G20 के नेताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 के नेतृत्व शिखर सम्मेलन की तैयारी में ऑस्ट्रेलिया कई बैठकें आयोजित कर रहा है, जिनमें वित्त मंत्रियों, व्यापार मंत्रियों, रोजगार मंत्रियों, शेरपाओं, वित्त उपाध्यक्षों तथा विषय विशिष्ट कार्य दलों की बैठकें शामिल हैं। ये देश विश्व के आर्थिक उत्पादन के 85% और जनसंख्या के 60% का प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व बैंक और IMF के प्रमुख भी इस संगठन के सदस्य हैं। G20 की पहली बैठक दिसंबर 1999 में बर्लिन में हुई थी। G20 का गठन उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ विचार विमर्श और समन्वय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। विश्व के 7 प्रमुख औद्योगिक देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे पहले G20 में शामिल हुए। G20 की अध्यक्षता एक प्रणाली के तहत हर साल बदलती रहती है, जो समय के साथ क्षेत्रीय संतुलन को सुनिश्चित करता है। अनौपचारिक राजनीतिक मंच की अपनी प्रकृति को दर्शाते हुए G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसके बजाय अन्य सदस्यों के साथ G20 एजेंडे पर परामर्श और वैश्विक अर्थव्यवस्था में हुए विकास पर प्रतिक्रिया देने के लिए उन्हें एक साथ लाने की जिम्मेदारी G20 के अध्यक्ष की होती है। मोदी की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से तय हो चुकी है। इस साल ये उनकी 4थी मुलाकात होगी, लेकिन पिछले साल जून के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात नहीं हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन से उनकी मुलाकात की कोशिशें चल रही हैं। मोदी मेजबान देश के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात करेंगे। G8 विश्व के सर्वोच्च संपन्न औद्योगिक देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा एवं रूस का एक संघ है। यह समूह आर्थिक विकास एवं संकट प्रबंधन, वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा एवं आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दों पर आम सहमति को बढ़ावा देने के लिए सालाना बैठक का आयोजन करता है। G6 फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और अमेरिका से बना था। इसके बाद 1976 में इस समूह में कनाडा के शामिल होने के बाद यह G7 और 1998 में रूस के शामिल होने के बाद यह G8 बन गया। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।